ये है चित्तौड़गढ़ झील का गेट। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ झील, आपको दिखाते हैं बहराइच की चित्तौड़गढ़ झील क्या खास है। दोस्तों ये है चित्तौड़गढ़ झील बहराइच का, आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का खास कारनामा। क्या खास है इसमें देखते हैं हम। दोस्तों पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ झील, ये है चित्तौड़गढ़ झील, खूबसूरत सा चित्तौड़गढ़ झील का नज़ारा आप सभी को हम दिखाते हैं कितना खूबसूरत है। बहराइच का चित्तौड़गढ़ झील है, कमल के फूल भी खिले हुए हैं और सबसे अच्छी बात बताऊं खुली हवा है और गार्डन बड़ा सुंदर गार्डन है। देखिए प्यारी सी घास है, इस घास में कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों हमारे सामने एक मूर्ति लगी हुई है महाराजा सोहेलदेव पासी की, बड़ा खूबसूरत झील है और खूबसूरत सा गार्डन है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं खूबसूरत सी झील, और सबसे पहले उससे पहले हम आप सबको दिखाना चाहेंगे मूर्ति पास से। आ चुके हैं सोहेलदेव पासी जी की मूर्ति के पास, महाराजा सोहेलदेव पासी मूर्ति के पास आ चुके हैं। ये देखे काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, बहुत बड़ी मूर्ति है, और अभी ये बच्चों का झूला भी बगल में लगा हुआ है, बच्चे इससे झूला झूल सकते हैं। और ये टीपू है और पेड़ बागीचा है काफ़ी अच्छा है, इसके साथ साथ एक टीपू उधर भी है और काफ़ी अच्छा बागवानी है, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। दोस्तों देखिए सारे रास्ते ही जो है इसका विकास हो रहा है, काम चल रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पे काम चल रहा है, जब पिछली बार हम लोग आए थे 3 साल पहले तो यहाँ पे नहीं था, मतलब अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, तब इतना नहीं बना हुआ था जब आए थे। अब तो यहाँ चौकी भी बन गई है काफ़ी सुंदर सी, देखिए सारा सिस्टम बहुत सुंदर बन गया है। यहाँ लोग शाम को घूमने वॉक करने भी आते हैं, और अभी काम चल रहा है, संभवतः काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार होगा और बहुत अच्छा बन रहा है। आइए आप सभी को इसके आगे दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ झील। देखिए दोस्तों ये बच्चों के खेलने का छोटा सा पार्क भी बनाया जा रहा है, ये ठीक मूर्ति के बगल में है, यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, इसके ठीक बगल में ये बच्चों के लिए एक पार्क बन रहा है, काफ़ी सुंदर पार्क बन रहा है, अभी काम चल रहा है, अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ है, तैयार होगा तो बड़ा ही सुंदर लगेगा। ये ठीक मूर्ति के बगल में ही है और यहीं से पीछे कुछ और मूर्तियां भी लगी हैं, और ये सामने कुछ बना है, ये सामने क्या बना है, नहीं मंदिर बना है ये सामने एक मंदिर भी बन रहा है, और यहाँ से जाते हैं ढलता हुआ सूरज, ये पेड़ों के बीच से ढलता हुआ सूरज दिख रहा है, शाम हो रही है, और यहाँ से चलते हैं अब आगे दिखाएंगे आप सभी को, झील के पास पहुँचते हैं। छोटे छोटे देखिए यहाँ छोटे छोटे ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चे नहा रहे हैं आराम से, कितना सुंदर सा नज़ारा है। और अब हम पहुंच चुके हैं झील के पास। हाँ आ जा, पहुंच चुके हैं हम झील के पास, डूबता हुआ सूरज और झील क्या खूबसूरत लग रही है। देखिए दोस्तों सूरज डूब चुका है और उसकी लालरी हल्का सा दिखाई दे रही है, और इस लालरी के बीच में हम आप सभी को झील के दर्शन कराते हैं। धूपती चांदनी का सितम है यहाँ,
ये है सूरज की लाल रई जो डूब रहा है सूरज। ये है यहाँ का खास दृश्य। और ये हम पहुँच गए हैं सुंदर सी झील के पास। झील में कमल का फूल भी खिला है जो कि सामने दिख रहा है। ये है कमल का फूल दोस्तों। ये झील के पास कमल का फूल है, मतलब झील के पास नहीं, झील में ही ये कमल का फूल है। और ये काफ़ी बड़ी झील है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। शाम का नज़ारा है, खूबसूरती लहरा रही है, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। आ जरूर कि कैसा लगा आप सभी को ये नज़ारा।